वालेकुम आज के प्रोग्राम में हम दो खबरें डिस्कस करेंगे एक तो नैब लॉ और एस एन इकबाल का केस और दूसरा इमरान खान जो हफ़्ते की कॉल दे रहे हैं प्रोटेस्ट शुरू करने के लिए दो के लिए दोनों मामला संजीदा हैं आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जब नारोवाल स्पोर्ट सिटी का केस आया जिसमें एहसन इकबाल को दो महीने के लिए हिरासत में भी रखा गया गिरफ़्तार कर लिया गया इंक्वायरी स्टेज के ऊपर ही बग़ैर किसी एविडेंस को कलेक्ट किए हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो सवाल जवाब है मैं वहाँ से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगा जिससे यह अंदाजा होता है कि किस अंदाज़ में एहसन इकबाल को शाहिद खाकान को मफ्ता इसमाइल को इन लोगों को पकड़ के महीनों जेलों में बंद किया गया और किस तरीके से ये केसेस आगाज़ हुए सियासी बुनियादों के ऊपर मुहरक उसके पीछे सियासी था एविडेंस किसी के ऊपर करप्शन की हो ना तो फिर उसको छूटना नहीं चाहिए फिर उसको ता जेल हो जानी चाहिए बम उसको फांसी पे लटकाना चाहिए लेकिन अगर किसी के साथ आप ये जालमाना काम करें कि एविडेंस तो है नहीं है लेकिन छः आठ महीने के लिए बंदा आप जेल में डाल देते हैं सिर्फ़ अपने नैब चेयरमैन के पास जो डिस्क्रिशनरी पावर्स थी तो वो अब्यूज़ ऑफ पावर हो जाती जो नैब करती रही है तो इसके ऊपर मैं हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं उन्हीं से शुरू करता हूँ सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी है कि नैब पोलिटिकल इंजीनियरिंग करता है क्या ये पोलिटिकल इंजीनियरिंग का क्लासिक केस नहीं है ये इसी केस के ऊपर वो ऑब्ज़रवेशन दे रहे हैं आपने बगैर मालूम किया कि सी डी डब्ल्यू पी क्या होती है रेफरेंस दायर कर दिया जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को रोक कर नुकसान पहुँचाया इनको क्यों नहीं पकड़ते आपका काम करप्शन को देखना था आप करप्शन को छोड़ कर और कामों में लग गए नैब जो लोगों की इतनी बदनामी कराता है इसका इजाला कौन करेगा ये जैसे इस अतन मनला ये सारी बातें कह रहे हैं नैब को और नैब के पास कोई जवाब नहीं है इस मुल्क को या माशाल्लाह वालों ने नुकसान पहुँचाया फिर नैब ने ऐसा इकबाल के पास कौन सा इख्तीय था जिसका गलत इस्तेमाल हुआ ये वो नैब वालों से पूछते रहे नैब वालों ने जवाब नहीं दिया इसका क्या नारोवाल के अवाम के लिए एक राही प्रोजेक्ट लगाना जुर्म है एक काबिल अफसर राहत चीमा भरी हो गया आपने तीन साल इसको जेल में डाल डाले रखा आप इनको पकड़ते हैं जिन्होंने 2009 तक मंसूबे को रोके रखा आपसे कोई 15 बार पूछ चुके हैं करप्शन का बताएं वो करप्शन का सवाल कर रहे थे कि बताइए करप्शन कहाँ है कहाँ पैसा खाए कहाँ पैसा खाए नो आंसर ये अवमी मुफाद का मनसूबा है इसमें करप्शन कहाँ है जब आ, बिल्कुल उन्होंने पूछा कि आप बताइए कि एविडेंस आपके पास कुछ थी जब आपने इंक्वायरी स्टार्ट की आपके पास सबूत कहाँ थे आपके पास कोई ऐसी चीज़ आई कि इसमें से कोई पाँच सौ मिलियन छः सौ मिलियन कोई चार सौ मिलियन या सौ मिलियन एक मिलियन दस रुपये किसी ने खा किसी ने खा लिए कोई एविडेंस आई तो उन्होंने कहा कि हमने अखबार की ख़बर के ऊपर इंक्वायरी का आगाज़ किया था पूछा वो कौन सी अखबार थी कोई ऐसी तहकीकी रिपोर्ट किसी ने हो सकता है शायद की हो द न्यूज़ या डॉन ने शाया हो और उसके अंदर एविडेंस सामने आ गई हो तो जवाब आगे से आया मेट्रो वॉच में ख़बर छपी थी कि जो नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट है उसके अंदर बहुत करप्शन हुई है तो हमने इंक्वाई शुरू कर दी उसके बाद दो महीने के लिए एहसन इकबाल को जेल में रखा गया हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मेहमान शख्सियत है वाकि वजीर अली एहसन इकबाल साहब एहसन साहब वेरी वाम वेलकम आपको मुबारक दूँ या ये कहूँ कि आज इंसाफ़ मिल गया तो तसली या सेटिसफाइड है देखिए अल्लाह का बड़ा शुक्र है मैं समझता हूँ कि इंसाफ मिला चाहे तखीर से मिला लेकिन नदीम मलिक साहब ये पूरा जो खेल खेला गया मुल्क के अंदर चार साल उसका आज नतीजा ये है कि हमारे मुल्क के अंदर इंतज़ामी मशीनरी सारी मफलूज हो गई है कोई अफसर किसी भी दफ्तर में दस्तखत अपने करने के लिए तैयार नहीं है फ़ैसला करने के लिए तैयार नहीं है और फिर आप देखें कि मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया गया किरदार कुशी कर करके देखिए ये इमरान खान साहब इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ एक मुहिम चलाई कि ये सब चोर डाकू डाकुए और अपने लोगों को इतना जुनूनी बनाया कि वो गली मोहल्ले में आपको मिलते थे आपको याद होगा कुछ देर पहले एक मैकडोनल्ड में वाक़ हुआ कुछ लोगों ने एक फैमिली ने मेरे पे आवाज़ें कसी और उसके बाद फिर मैं उनका उनकी तारीफ करूंगा कि जब उन्हें अब मलामत हुई तो वो मेरे पास माजरत के लिए भी आए लेकिन जब उन्होंने माजरत की तो इमरान खान साहब इतने सटपटाए कि ये कैसे हो गया उन्होंने अगले दो जलसों के अंदर अपनी तकरीर में कहा कि आसन इकबाल डाकू है अब वो जिस बुनियाद पर मुझे डाकू करार दे रहे थे आज उसका अदालत में वो दिफा तो ना नैप कर सका और ये सब चीज़ हम पहले दिन से आप दोस्त भी सब मीडिया के जो हैं पहले दिन से गवाही दे रहे थे कि ये झूठा केस बनाया गया गलत केस बनाया गया मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए ये हक किसने कि, एक शख्स को दिया है कि वो एक उस तरह पकड़ के जिसकी चाय हजामत कर दे जिसको चोर बना दे जिसको डाकू बना दे जिसको गद्दार बना दे जिसको काफिर बना दे कभी वो लोगों का ईमान टेस्ट कर रहे होते हैं कभी वो लोगों की उबल वतनी को निशाना बना रहे होते हैं कभी वो लोगों की दयानत को निशाना बना रहे होते हैं ये जो तर्ज अमल है ये मुल्क के अंदर एक ऐसी पोलराइजेशन पैदा कर रहा है कर चुका है कर चुका है और यह मुल्क के अंदर एक ऐसी डिवाइड पैदा कर रहा है जिसके बहुत ही भयानक असरा होंगे ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा फिक्रमंद देखिए मेरी ज़ात का ताल्लुक है यकीन मेरी फैमिली ने सफ़र किया मेरे फ्रेंड्स ने सफ़र किया मेरे दोस्त मेरे हल्के के लोग उन्होंने और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब ने सपोर्ट भी किया लेकिन चलिए मैं तो एक फ़र्द हूँ मेरी मैं सर अभी इमरान की तरफ आपको लेकर आऊँगा क्योंकि ये जो अंदेशा है ना सड़क के ऊपर तसादुम का ये अब ज़्यादा मुझे दूर नहीं लगता ये अगले चंद हफ़्तों में किसी वक्त अल्लाह ना करे कोई बड़ा सा हो सकता है और ये रियलिटी है जिससे आंखें हमें बंद नहीं करनी चाहिए लेकिन एक सवाल आपसे पूछना है मेरा पर्सनल ओपिनियन है मैं इसके ऊपर ज़ाहिर अदालत बनकर तो फैसला नहीं कर सकता लेकिन मेरा ख्याल था कि एहसन इकबाल शाहिद खाकान मिफ्ता इस्माइल इवन इसकडार आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लिया वो वो उसी दूसरी अदालत के ज़रिए दोबारा अपनी अपील फ़ाइल करेंगे ये झूठे केस थे इवन राना स्नाल्ला के मतलब जिस दिन वो उन्होंने ये पंद्रह किलो हिरों डाली थी तो मेरे पास सबूत तो नहीं था लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बनाया था ये तय था कि वो जेब में डाल के पंद्रह किलो राना स्नाल्ला हिरण डाल के जा रहा है तो उसकी कोई फ़नी खराबी दिमाग में आपको पहले चेक करनी चाहिए और वो वहाँ पे कस्बे खा रहे थे लेकिन दो तीन केस ऐसे थे जिसके मतलब मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन थी कि उसमें जाना है एक आसिफ जरदारी का और ओमनी ग्रुप का केस था शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों का केस था मैं आज भी उस पर कायम हूँ मतलब मैं झूठ नहीं बोल सकता कि उसमें जान थी उसमें केस बनता था आपने नैब लॉ अमेंड करके अब गदे घोड़े एक साथ में खड़े कर कराए देखिए ये भी मैं वजात करूँ नैब लॉ के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं ये कौन सी हुई हैं पहली वो अमेंडमेंट हुई है कि जो इमरान खान साहब खुद मुतारफ़ करा चुके थे और उसके वो फ़ाइल बयान कर चुके थे पेशावर में गालबन उनकी तकरीर थी और उसमें उन्होंने कहा कि ये तरामीम क्यों ज़रूरी हैं तो ये वो तरामीम है जो इमरान खान साहब ख़ुद मुतारफ़ करा चुके थे ऑर्डीनेंस के ज़रिए दूसरी वो तरामीम है कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फ़ैसलों में वहाँ पर ऑब्ज़रवेशन अदालत ने दी थी कि ये कानून जो है ये बुनियादी हकूक़ और हमारा जो कानून है उससे मुतदम है इसको असलाह करनी चाहिए तीसरी उसके अंदर जो तरमीम है वो है कि जो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने उसके बारे में कहा था कि जो इस्लामी शिकें हैं उससे कुछ तसादम है जहाँ पर उसको ठीक किया गया इसके अलावा तो हमने कोई उसमें ऐसी तरमीम नहीं की अब सवाल ये है कि अगर आप एक ऐसा कानून बनाएं कि जिसमें डिस्क्रिशनरी ताकत हो आपके पास देखिए शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमा बना जब उनको ज़मानत दी गई तो तकरीबन यही सवाल जो आज चीफ़ जस्टिस ने नैप से मुझसे मेरे केस में पूछे यही सारे सवाल जो हैं लाहौर के उस बेंच ने भी नैप से पूछे कि आपने बताएं कौन सा करप्शन का एलिगेशन है किधर आपने करप्शन पकड़ी है किस बुनियाद पर लगाया है इसी तरह ख्वाजा साद रफीक साहब को जब, जब जमानत दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने जब पोलिटिकल तो मेरे सामने उन्होंने पांच दफ़ा कहा कि आप हमें एक रीज़न दें कि हम इनकी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दें नायब कुछ नहीं दे सका तो लिहाजा ये जो सारी पोलिटिकल इंजीनियरिंग का एक सारा नाटक था देखिए उस वक्त शबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ अपोजिशन थे और इमरान ख़ान सोब को उनसे ख़तरा था कि अगर मेरा कोई मुतबादल हो सकता है अगर कोई पोलिटिकल डिस्पेंसेशन चेंज होगी तो शहबाज शरीफ साहब होंगे तो लिहाजा उन्होंने एक गैर मामूली बंदोबस्त किया हुआ था कि किसी तरह शहबाज शरीफ साहब को अंदर भी करो इनको जबरदस्ती नाहल भी कराओ ताकि टीटी टी टी वाली डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो शहजाद अकबर साहब की पैसा था यूँ घुमा के अंदर लेकर आए थे और जरदारी साहब ने फेक अकाउंट के जरिए पैसे देखिये मैं उसके बारे में ज्यादा तफसील नहीं जानता लेकिन एक चीज आपको मैं जरूर कहूंगा अगर टी टी के वो जो ट्रांजेक्शनज हैं गैर कानूनी थी तो देखिए फिर असूल ये होना चाहिए कि जिस बिजनस मैन ने टी टियाँ मंगाई हैं सबको पकड़ के अंदर करें चूंकि आपके इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक प्रोविज़न थी लोग फ़ायदा उठाते थे और आपके ख़ुद जो इनकम टैक्स लॉयर हैं वो बिज़नस मैन को मशवरा देते थे तो काफ़ी सारे कारोबारी ये काम करते हैं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ अगर ये चीज़ हराम है गलत थी गलत तो फिर आप जितने भी कारोबारी लोग या बिजनेस ग्रुप्स इस तरह की ट्रांजेक्शन कर रहे थे आप या तो सबको पकड़े में वो टैक्स लेकिन, लेकिन हो जाती अगर है। आप सिर्फ एक ग्रुप को या एक शख्सियत को टारगेट कर रहे हैं बाकियों के लिए कह रहे हैं कि ये हलाल है इनके लिए सिर्फ हराम है तो फिर वो विक्टिमाइजेशन होगी आपको कुछ बयान सुनाता हूँ जो इस ये बहस वाली बात होगी आप मेरी बात से इतफाक़ नहीं करेंगे लेकिन मेरे ख्याल में उन दोनों का केस आगे चलना चाहिए था बाकी आप सारे वजह पीसे गए थे सिर्फ़ इमरान खान के उस गुस्से में इमरान खान ने आज तकरीर के अंदर कुछ ऐसी बातें की हैं जो काफ़ी ज़्यादा खदशात का बायस हो सकती हैं एक तो वो हफ्ते वाले रोज़ से अपनी तहरीक के आगाज़ का ऐलान कर रहे हैं दिखाईगा मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी आपने मेरे साथ निकलना है जब मैं आपको कॉल दूं आप सब तैयार हो जाओ मैं कॉल दूंगा इन हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे अब ये हकीकी आज़ादी क्या है ये इमरान खान और उसके फॉलोअर सारों से पूछ लें तो आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा 2014 में जब ये धरना देकर बैठे थे तो उस वक्त उसको आज़ादी मार्च कहते थे कहते थे डी चौक का नाम ही आज़ादी चौक रखते हैं वो आज़ादी क्या थी वो इमरान खान चाहते थे कि पी एम एल एन की हुकूमत गिर जाए और उनकी हुकूमत बन जाए अब हकीकी आज़ादी का अंजाम क्या होगा मुझे मालूम नहीं है लेकिन सूरत हाल यह है कि किसी वक्त सर सड़कों के ऊपर बहुत बड़ा तसादम हो सकता है और अदारे और वहाँ आमने सामने भी खड़े हो सकते हैं आज उन्होंने गीदड़ों की फ़ौज के हवाले से एक मिसाल दी है मुनासिब नहीं है क्योंकि जहाँ पर वो टारगेट कर रहे हैं वहाँ से रिटेलिएशन आई तो मसाइल पूरे सिस्टम के लिए भी हो सकते हैं और हमारी हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे वाकया से इसलिए हम या, मैं यहाँ बैठ के किसी से खौफ के मारे ये बात नहीं कहता कि इससे गुरेज़ करना चाहिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये सियासी रहनमाएं तो इनको अक्ल आ जाए तद्बर से काम लें क्योंकि ट्रबल को इन्वाइट करना तदब्बर नहीं होता बेवकूफ़ी होती है सिस्टम को डिरेल होने से बचाना अक्लमंदी होती है डिटेल करवा लेना अपने हाथों से जो कोशिश हो रही है वो बेवकूफी होती है उसकी सजा पूरी कौम को मिलती है जैसे की आज की ऑब्जर्वेशन है कि इस मुल्क को या मार्शाला से नुकसान हुआ है तो या नायब से तो आप क्या चाहते हैं कि मारशा लग जाए ये गिदड़ों वाली मिसाल सुनाइएगा जी एक फौज शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ो वो हार जाएगी सौ गिदड़ों की फौज सरदार शेरों दूसरा सुनिए कि वो अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ की ड्यू है नवंबर लास्ट डेट है और उससे पहले किसी वक्त भी मेरी अपनी राय में जितने दिन गुजार रहे हैं, गलत नॉमिनेट कर देना चाहिए बहस का चैप्टर बंद हो जाए लेकिन हर रोज इसको ट्रबल इनवाइट कर रहे हैं आज दोबारा कह रहे हैं जी है। एक सजा मफरूर झूठा जो इस मुल्क से पैसे चोरी करके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में कंसल्ट करने जा रहा है કે પાકિસ્તાન કા આર્મી ચીફ કોન હોગા જો મુલક કી નેશનલ સિક્યુરિટી કે લિયે સબસે બડા હોતા હૈ યે ફેસલા કરેંગે પાકિસ્તાન કી નેશનલ સિક્યુરિટી કે લિયે જો સબસે ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઝિશન હૈ ક્યા યે ફેસલા કરેગા મુજે બતાય ના અહેસન સાબ ये बहुत ही बड़े फसाद वाली कैफियत है जो बिल्कुल करीब है ज़्यादा दिन दूरी के ऊपर नहीं है आप लोगों के पास क्या है देखिए इन शाला इससे हम निपटेंगे लेकिन लेट मी से इमरान खान इस वक्त एक इनार्किस्ट एजेंडे पर काम कर रहे हैं और जो हम मुस्तकिल ये कहते रहे हैं कि जो इनकी फ़ॉरन फंडिंग है वो फ्री लंच नहीं है जब आपको बाहर से इतना बेपना पैसा आता है तो उससे फिर आपके ज़िम्मे कुछ एजेंडा भी लगता है इमरान खान ने मुस्तकल पाकिस्तान के अंदर इंटरनली डी पैदा किया है पोलराइजेशन पैदा की है आप देखिए कि 2014 में जब इन्होंने धरना दिया उस वक्त चीन के सदर का दौरा सबोटाज किया इसके बाद से ये मुसलसल लगे रह पैक के ऊपर हमला करने के लिए और फिर जब ये वज़ी अजम भी बन गए तो जब भारत के साथ पाकिस्तान की तकरीबन जंग एक बटन से दूर थी उस वक्त भी ये पाकिस्तान की क्यादत के साथ अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे कश्मीर इन्होंने दे दिया भारत ने कश्मीर पे एक तरफा कब्जा कर लिया उसके ऊपर भी ये मुल्क के अंदर वैदत के लिए तैयार नहीं थे एक मुसलसल पोलराइजेशन के मॉडल पे ये चल रहे हैं और अब भी जब इन्होंने मुल्क को तबाही के किनारे छोड़ गए हैं देखिए मैं आपको बताता हूँ ये जो हकीकी आज़ादी की बात करते हैं ये इस बात का मुझे जवाब दें कि ये आई एम एफ़ का जो माहा करके गया क्या ये हकीकी आज़ादी का माह था हमारे गले तो ये ढोल पड़ा है ना जिसे हमें बजाना पड़ रहा है और इनके हिस्से के जो गुनाह हम अपने गले इसलिए ले रहे हैं कि अगर ये ना करें तो खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की मीशत डिफ़ॉल्ट होती है तो वो किसका नुकसान है और इससे ये वैसे कमज़ोर सियासी थी आप लोगों की मैं इसे इतफाक़ नहीं करता इमरान खान अपने हाथों ये सारे फैसले करते अगर आप जल्दबाजी से कर देखिए अगर वो उन्होंने तो ये फैसले नहीं करने थे उनका तो मिशन ही यह था कि पाकिस्तान की मीशत को डबोना है और जो उनके फॉरेन स्पॉन्सर्स हैं स्पॉन्सर्स हैं शायद वो चाहते ही ये थे कि इनके हाथों पाकिस्तान डिफॉल्ट करे और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान के साथ शरात तय करें और अगर आप खुदाना खास्ता डिफॉल्ट करते तो आपको जो शराइ मिलनी थी वो इकनॉमिक नहीं थी उसमें पॉलिटिकल और सिक्योरिटी शराब भी होनी थी कि जो पटाखे आप चलाते हैं क्यों चलाते हैं जब आपके पास पैसे नहीं है ऐसा साहब एक सवाल है मेरे जहन में इमरान खान आप लोगों को चोर डाकू और इस्टैब्लिशमेंट सारी को आजकल गद्दार और गैर मुल्की गैर मुल्की साजिश के तहत तायबे करार देते हैं और कहते हैं कि यहाँ श्रीलंका जैसी सूरत हाल होनी थी तीन टुकड़े होने थे और न्यूक्लियर पर डील होनी थी आपने वही जुमला इमरान के लिए दुरा लिया कि इसके गैर मुल्की की स्पॉन्सर ये जो हमारे पास पटाखे हैं वो आके उसमद जब हम हुकूमत में आए थे उस वक्त तो आपको पता है ना कि इमरान खान साहब समेत लोग पाकिस्तान के हवाले से क्या कह रहे थे आज चार महीने के बाद कोई ये बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान श्रीलंका बन रहा है ये एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी है कि हमने पाकिस्तान की जो परसेप्शन है पाकिस्तान की जो सिचुएशन है उसको चेंज किया अप्रैल में तो शर्तें लग रही थी कि दो हफ्ते में श्रीलंका बनेगा या चार हफ्ते में बनेगा और इमरान खान की जो सबसे बड़ी झुंझलाहट है जो सबसे बड़ी उनको बौखलाहट है वो यही है कि पाकिस्तान श्रीलंका क्यों नहीं बना और अब आप ये देखिए कि जो आपने क्लिप्स दिखाए हैं पाकिस्तान की तारीख में किसी लीडर ने इस तरह पाकिस्तान की आर्म्ड सर्विसेज को पाकिस्तान के मुसल्ह अफवाज के सरबराहों को पुलिटिसाइज़ किया यहाँ पे एक रूटीन अपॉइंटमेंट होती थी अगले दिन एक प्रेस रिलीज़ आई की आ जाती थी या वजारत दफा की कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स जो है फ़लाँ शख्स जो है वो आर्मी चीफ लग गया अब जिस तरह से ये मुसलसल पिछले दो सालों से कैंपेन कर रहे हैं नाम फ्लोट कर रहे हैं पोलिटिसाइज़ कर रहे हैं अब आप ये देखिए कि आज इन्होंने एक और पहले क्या कहा इन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान के जो सीनियर फौजी जनरल्स हैं उसमें मुहब वतन और गैर मुहब वतन की इन्होंने तकसीम पैदा की और आज एक हमारे फौज के अंदर इन्होंने जनरल्स के अंदर गीदड़ की कैटेगरी ऐड कर दी है वो बहादुर होता है पाकिस्तान के फौज में एक सिपाही से लेके जनरल तक हर अफसर हर जवान अपनी जान हथेली पे रख के शहीद होने के लिए तैयार बैठा है आप अगर उस इधारे को इससे कर रहे हैं तो आप पाकिस्तान के दुश्मनों के किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं आप उस इधारे को तबाह करना चाहते हैं ये करना चाहते फसाद क्या वाली, चाहते हैं हैं क्या फसाद वाली कैफियत है और इस फसाद से निकलने के लिए एक स्टेप जरूरी था और वो आपकी तरफ से चाहिए था इमीजिएट डिसीजन जिसको आपने तकरर करना है करिए तकरर आप इमरान के बयान की खातर रुक नहीं सकते तो करिए तकरर ताकि ये चैप्टर तो क्लोज हो क्योंकि इस तरह दस बीस नाम आएंगे रोजाना नाम भी लेके कह सकते हैं कि ये फलाना अच्छा फलाना बुरा है तो एक और कंट्रोवर्सी हो जाएगी लोगों की देखिए बड़े माज मैं दिलचस्पी से आपकी एक क्लिप सुन रहा था पहली बात तो यह कि जो आर्मी चीफ है वो वजीर अजम का इख्तियार है और सोली वजीरजम शबाज शरीफ इसका फैसला करेंगे जब वक्त होगा और मेरिट के ऊपर करेंगे अच्छा अब आज इमरान खान साहब ये इम्प्लाई कर रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब को ये शायद उसमें शामिल करेंगे देखें एक शख्स जो बाहर बैठा है भई वो नवाज़ शरीफ साहब का लगाया हुआ जो आर्मी चीफ़ है वो तो आपको इतना पसंद आया था कि आपने तो उसे एक्सटेंशन दे दी थी तो आपको क्या हक है कि आप नवाज़ शरीफ साहब के जो इंतखब की साहहीत है उसको क्वेश्चन करें यानी कि कितना बड़ा लतीफ़ा है कि जो इंतखा नवाज़ शरीफ ने किया था उसको तो आपने एक्सटेंशन दी थी इसका मतलब तो बहुत अच्छा इंतखा करता है आज आप उसका ताना दे रहे हैं शहबाज शरीफ को के तुम उनके साथ मशवरा करोगे लिहाजा ये एक सिर्फ पोलिटिसन की गेम है इनका मकसद है कि कोई इदारा पाकिस्तान में ना बचे कि जिसकी तोकीर रह जाए ये जो हाइब्रिड वॉर होती है ना वो यही होती है कि आप आवाम और इधारों के दरमियान जो ट्रस्ट है उसे ख़त्म करते हैं हर इदारे को इतना लोगों की नज़र में बेतौकीर करते हैं कि इंटरनल क्या हो जाए और उसके बाद वो सोसाइटी अंदर से इम्प्लोड कर जाती है सर ये पिछले तकरीबन आठ माह एक ऐसी सूरत हाल है जब डी जी आई एस आई की समरी मूव हुई थी सबसे पहले उस वक्त लड़ाई शुरू हुई थी जनरल नदीम अंजुम जो भी डी जी एस आई हैं पहले इन्हीं के नाम के ऊपर अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट आ गई थी एस पी आर से इन्होंने कहा कि मैं कोई रबर स्टैंप नहीं हूँ हालांकि हमें बताया ही गया कि इनकी कॉन्सेंट लेके समरी मूव की गई थी लेकिन आफ्टर थाट ये थी कि नहीं ये शायद अभी जो पहले हैं उनको जारी रखना चाहिए ये इनके एक पार्टी मेबर ने कहा अभी फिर तीन लोगों के इंटरव्यूज हुए तीनों के नाम छपे सुना यह है कि पहले दे दे दिया दे दिया फिर कोई जो है ना इनको रूहानी रूहानी मशवरा मशवरा मिला था या <laughs> वो हो सकता <laughs> है कि इनके जहन में यह था कि जो इनकम बेंट थे उस वक्त वो <laughs> कंटिन्यू करें ये कहा इन्होंने इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में ये बात बाद में कही कि मेरा दिल था कि वो भी कंटिन्यू करते लेकिन नो इट इट हैज़ बिकम है वेरी कंट्रोवर्शियल थॉर्नी सिचुएशन आप पाँच छः के नाम उनको पिक एंड चूज कर रहे हैं और उनका एक बहुत जिम्मेदार रवैया है इमरान खान दिन ब दिन साबित कर रहा है कि वो सियासत से भी आउट होना चाहता है वो अपना मुस्तकबिल भी दफन करना चाहता है देखिए किसी भी निजाम में ना कबूल होता हमारी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है ना हमारे अंदर आप कोई एक ऐसी चीज खा लें कि जो हो तो क्या करता है उसको फ्लश आउट कर देता है अंदर रिटेन नहीं करता इमरान खान साहब अपनी सियासत अपनी इनार्कियल पॉलिटिक्स की वजह से या एक सड़कों के ऊपर जैसे रेकलेस ड्राइवर है ना कभी इधर टक्कर मारता है कभी उधर मारता है इस तरह आप अपनी सियासत कायम नहीं कर सकते आप देखिएगा अनकरीब इनके लोग इनकी इन रवैयों की वजह से इनको छोड़ना शुरू कर देंगे पाकिस्तान के अवाम को अगर कोई पाकिस्तान की फ़ौज से लड़ाना चाहता है तो वो अपना सारी दीवार के साथ टकरा के फोड़ेगा वो इस साजिश में कामयाब नहीं हो सकता सर सर कुछ लोगों को सड़कों पे फूट सकते हैं ये आप इस संदेशे को नज़रअंदाज मत करिए अभी उन्होंने हफ्ते वाले दिन की कॉल दी है और अभी वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च की कॉल देंगे आपने कंटेनर में लगा के तैयारी शुरू कर ली है लेकिन ये सूरत हाल बिगड़ जाएगी अगर जब मैं गफीरियाँ आया और वो सूरत हाल में आप फौज नहीं लगा सकते फौज लोगों के ऊपर क्या करेगी अपने लोगों से फौज नहीं लड़वा सकते आप फौज का ही काम नहीं मुझे आप ये बताएं नदीम साहब क्या पाकिस्तान में इमरान खान साहब के हमायती ही पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे 22 करोड़ आबादी है आज भी जो इमरान खान साहब की जमात है उसके मुकाबले में जो मौजूदा जमातें हैं इनका वोट तीन गुना ज़्यादा है इनकी अकेली जमात से हमने तो इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं चाहते कि कोई दाखिल इंतजार हो आपका ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के आमायती नहीं है आपका क्या ख्याल है दूसरे हमारे हलीफ़ जमातों के आमायती नहीं है अगर हम उन्हें कॉल दें तो क्या होगा मुल्क के अंदर एक सिविल वॉर हो जाएगी आमने सामने लिहाजा मेरा ख़्याल है कि इस वक्त इमरान ख़ान साहब की जमात में मैं समझता हूँ कुछ ऐसे लोगूर होंगे कि जो इनको मशवरा देंगे लेकिन अगर वो मुसिर हैं कि उन्होंने दीवार के साथ आ टक्कर मारनी है अपना सिर फाड़ना है अपनी जमात का मुस्कबिल ख़त्म करना है इनारकियल पॉलिटिक्स की हमें इजाज़त नहीं देंगे और मैं आपको ये भी यकीन कराता हूँ कि जिस तरह का मर्जी वो बंदोबस्त करके आएँ वफाकी हकूमत का भी इंतज़ाम होगा हम हर सिक्योरिटी की सिचुएशन से निपटेंगे और ये किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वरह की इनारकी के साथ पाकिस्तान के पुलिटिकल स्ट्रक्चर और पाकिस्तान के फ़ौज के निज़ाम के साथ खेल सके सर शायद मौलाना फजलर रहमान अगर बंदे मुबलाइज करना चाहें तो तादाद में इमरान से ज़्यादा बंदे लेकर इस्लामाबाद आ सकते हैं लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि यहाँ पर हमारे अपनी बहन भाइयों को हमें स्ट्रेचर्स पे उठाना पड़ेगा तो तो देखिए इमरान इस वक्त जो है ना बिल्कुल नार्ससिस्ट हो के खुद गर्जी अना के अंदर उनको इतदार छिनने का इतना गम है उन्हें यह भी फिक्र नहीं है कि इस वक्त तकरीब पाकिस्तान के सवा तीन करोड़ अवाम खुले आसमान के नीचे क्लाइमेट डिज़ास्टर का शिकार है मैं होकर आया हूँ उन इलाकों में भी दो दिन पहले तीन दिन पहले यकीन करें नदीम साहब जब हम खाना खाते हैं ना वो खाने का जो एक नवाला है वो भी बोझ महसूस होता है कि हमारे इस वक्त लोगों की क्या हालत है इस शख्स को ये ख्याल नहीं कि जब मातम होता है गम होता है क्राइसिस होता है सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं ये उसके अंदर भी कॉम में इंतशार के बीज बो रहा है और मैं समझता हूँ कि कौम इसको पहचान चुकी है और इन शाह इस मौके पर कि जब हमें एक होने की जरूरत है अगर किसी ने मुल्क के अंदर तकसीम और इंतशार की सियासत की तो कॉम उसका साथ नहीं देगी एक ब्रेक ले लें ब्रेक से वापसी पे ऐसा इकबाल साहब के जिम्मे एक बहुत भारी काम यह है कि ये जो फ्लड्स के बाद पूरे मुल्क के अंदर तबाही है इन लोगों की दोबारा आबादकारी कैसे करनी है उसका मंसूबा इन्होंने बनाना उसके लिए फंड्स कहाँ से आने हैं ब्रेक लेने इसके बाद इनसे असेसमेंट लेते हैं हमारे साथ प्रोग्राम है दोबारा खुश कहते हैं ऐसा इकबाल सब सवा तीन करोड़ लोग तीन करोड़ तीस लाख लोग और एक मिलियन डेढ़ मिलियन से ऊपर घर हैं जो चले गए कैसे इससे नबरदर्जा हो देखिए नदीम अलग साहब पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ये जितनी बड़ी आफत है ना ये इसका स्केल इतना बड़ा है कि अगर ये किसी तरक्की तरक्याफ़्ता मुल्क के ऊपर भी अगर आती तो शायद उसके लिए भी मुमकिन नहीं था जैसे आपको पता है कि कतरीना न्यू औरलैंड पर आया तो वहाँ पर हर चीज़ धरी की धरी रहेगी इतनी बड़ी आफत थी इसी तरह जापान में सुनामी आया तो उसने भी हर चीज़ तहस नहस कर दी एस्टिमेट्स क्या है नुकसान का देखिए हमारा एक जो रफ सा एस्टिमेटर इसकी जो डिटेल्ड आपसमेंट दी, है जिसमें वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक यू एन कर रहे हैं उनका हतमी तखमी तो आएगा तकरीबन पंद्रह अक्टूबर तक वो इस वक्त फील्ड में है और वो सैस कर आपकी इब्तदाई हमारा ये ख्याल है कि ये तीस अरब डॉलर के लगभग इसमें दो तरह का नुकसान है ना एक तो वो है कि जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डैमेज है जिसमें घर हैं लोगों के उसमें लाइफ स्टॉक है उसमें उनके फिश फार्म्स हैं ऑर्चर्ड्स हैं बागात हैं खजूरों के बागात के बागात खत्म हो गए बलूचिस्तान में हो गए Tarha, tha, ka, ka。फिर इसी तरह सड़कें हैं आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो दूसरा था स्कूलों का अस्पतालों का तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेजेस है जो हुई बड़ी क्रॉप्स क्रॉप और फिर लाइवलीहुड्स लोगों की फिर एग्रीकल्चर की तकरीबन 40-45 फीसद है कॉटन की क्रॉप ख़त्म हो गई राइस की बहुत बड़े इलाके पे ख़त्म हो गई सब्जियों की ये टमाटर और जो प्याज का बुरान हुआ इसी वजह से हुआ तो एक तो डायरेक्ट आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज है दूसरी जो है इससे रिलेटेड इकोनॉमिक कॉस्ट है कि जिसका ताल्लुक आपकी फिर जी से होगा प्रोडक्शन के ऊपर जब पड़ेगा मिसाल के तौर पर जब आपकी फोर्टी कॉटन डैमेज होगी तो अब आपको उतनी कॉटन इम्पोर्ट करनी पड़ेगी दैट इज अनर बर्डन ऑन योर इम्पोर्ट उसकी एक कॉस्ट होगी आपको अगर आपको 10 मिलियन कॉटन बेल्स इंपोर्ट करनी पड़ी इस साल जो लाइकली हुए टेक्सटाइल सेक्टर ट्रबल में बहुत चीखे मारे हैं चीखे मारे हैं क्योंकि एल्सिज नहीं खुल रही है रेट बहुत ऊपर चला गया है तो आपकी कोई मेरे ख्याल है तीन चार अरब डॉलर की ज़ाफ़ी कॉस्ट बन जाती है एग्जैक्टली exactly, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हमें जो असेसमेंट है आखिरी हतमी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये जो इकनॉमिक कॉस्ट हैं ये सब अगर हम कंबाइन करें तो मेरे नज़दीक अभी एक बड़ा सेफ़ एस्टिमेट है जो कि यू एन सेक्रटरी जनरल ने भी कहा अबाउट थर्टी बिलियन डॉलर सो दिस इज़ अ बिग हिट फॉर एन इकानमी लाइक पाकिस्तान सर ऐसा सब जो अर्थ कोक के बाद हमने मॉडल देखा था हम जैसा मुल्क तो दो तीन अरब की भी हट है नहीं बर्दाश्त कर सकता हमें एमरजेंसी बुनियादों के ऊपर क्लाइमेट चेंज के चैलेंज को सामने रखते हुए पूरी दुनिया से कोई बीस पच्चीस अरब डॉलर का कुछ दस साल मनसूबा रखना चाहिए ब्रिजेज़ रोड्स फसलें तबाह हो गई जानवर मर गए सत्रह लाख घरें लोगों को देने फील्ड हॉस्पिटल चाहिए साढ़े छः लाख प्रेगनेंट औरतें हैं जो कैसे करेंगे आपने को प्लान इसके जी इसके ऊपर हम प्लान बना रहे हैं और तकरीबन तमाम इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ हम इंगेज हैं और वज़ी अजम जो यू एन जनरल असम्बली में गए हैं उसका भी एक बड़ा मकसद ये था कि हम दुनिया में मज़ीद इसके हवाले से आगही पैदा करें और बिलखसूस जो मल्टी लेटर इदारे हैं देखिए इस वक्त एक हकीकत हमें ये पेश नज़र रखनी पड़ेगी कि जो मुल्क की आलमी मीशत और जो मुल्कों के अपने दाखिली हालात हैं इस वक्त एपेटाइट फॉर एड इज़ वेरी लो पूरा यूरोप यूक्रेन की जंग के अंदर उसने अरबों डॉलर झोंक चुका है वो और उनके सबके पास शदीद इनर्जी का बहरान है और इस वक्त इसकी वजह से मुल्कों के अंदर जो महंगाई है अमेरिका के अंदर रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है यूरोप के अंदर रिकॉर्ड इन्फ्लेशन है तो ये एक वजह है कि जो बायलेटरल असिस्टेंस है अगर चाहे उसमें लोग हमें मदद देंगे लेकिन उसकी जो एपिटाइट है ग्लोबली वो बहुत महदूद है लिहाजा हम उसमें कोई ज्यादा for को जी दूसरा जो हमारा मेन सोर्स हो सकता है जिसपे हम काम कर रहे हैं वो है मल्टी लेटरल इधारे जिसमें वर्ल्ड बैंक है एशियन डेवेलपमेंट बैंक है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है इनके साथ मिलकर हम डेमेज नीड असैसमेंट जो है इसकी बुनियाद के ऊपर ग्रीन चैनल के ज़रिए कुछ अर्ली पैसे मुल्क के अंदर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ही नरम किस्तों पर कर्जे मिल जाएं जिससे हम रिहेबलीटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन कर सकें इसके लिए यूएन ने हमें सपोर्ट किया है कि जो ही ये डैमेज नीड असेसमेंट रिपोर्ट हतमी होगी तो हम उसके बाद अक्टूबर के महीने में एक डोनर्स कॉन्फ्रेंस करेंगे इस्लामाबाद इस्लाबाद जी में करेंगे? जी इनशाला उसके अंदर फिर इनशाला आप देखेंगे कि हमें जो प्लेजेज हैं वो आएंगे साथ ही साथ इसके जो कुछ हम ममालिक हैं जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं उनके जो बायोलेट्रल कर्जे हैं चूंकि मल्टी लेट्रल आप रीशेड्यूल नहीं करा सकते वर्ल्ड बैंक नहीं करेगा वो तो नहीं कर सकते ना लेकिन मिसाल के तौर पर अमरीका है फ्रांस है हैं। है। उनके साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं और इसके लिए हमें उम्मीद है कि जिस तरह कोविड के अंदर भी उन्होंने हमें डिस्पेंसेशन दी थी कि थोड़ी सहूलत दी थी मुझे यकीन है कि ये जो वजीर अज़म की मुलाकातें हो रही हैं इसके बाद वो जरूर इसमें कोई हमारे साथ ताउन करेंगे सर आपको डेट फॉर गिवनेस का इनिशिएटिव लेके जाना चाहिए काउंटर पार्ट फंड जो आप रुपये में जनरेट करें वो हेल्थ हेल्थ केयर में लगाएं औरतों के लिए बच्चों के लिए लगाएं पूरी दुनिया व्यस्त इसके एक पूरा अब नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम पाकिस्तान का बना रहे हैं जो कि रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट कम्युनिटीज और रेजिलिएंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स हमें बनाने के लिए रोड मैप देगा देखिए कितनी अफसोस की बात है दो इजाजत से एक बीपर छोटा सा कहूँ डॉक्टर अमजद साकिब साहब अखूबत से हमारे साथ हैं डॉक्टर अमजद साहब आप क्या आपका कुछ अंदाज़ा है कि अगर एक घर जो पानी में बह चुका है उसको तामीर करके देना हो दोबारा तो मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट एक प्री फैब्रिकेटेड मॉडल के ऊपर मॉडल के ऊपर कितनी आएगी और कितने बड़े स्केल के ऊपर खवहत और बाकी निजी तंजीमे ये काम कर सकती जी थैंक यू वेरी मच नजीम साहब पहली बात तो ये है कि सर मैंने बीजी खान राजिनपुर पुथल लसबेला बंदर शाह शाह बंदर सजावल इन तमाम इलाकों में गया हूँ मैं मतवसर या निचले मतवस्तर तबका की बात नहीं कर रहा मैं इंतहाई गरीब आदमी की बात कर रहा हूँ जो पूरे सुरख गपूअर है उन सब ने मुझे कहा जी हमारा घर तो सत्तर अस्सी हजार लाख रुपए में बनता है बारिशों ने गिरा दिया गार्डर भी मौजूद हैं बाले भी मौजूद हैं लोहे का दरवाजा खिड़की भी मौजूद है तो मुझे साठ सत्तर हजार भी दे दें तो मैं पंद्रह दिनों में खुद अपना घर तामीर कर सकता हूँ हमने उस रकम को बढ़ाया हमने कहा कि ठीक है हम इसकी भर्ती भी डालेंगे उसको तो कुछ नक्शा भी देंगे कुछ ऊंचा भी करेंगे कुछ तो बाथरूम भी बनाएंगे तो डेढ़ से दो लाख रुपए हमारा एस्टीमेशन बनती है और हमने तो आप ये कीजिए कि अलहमद लाला पांच सौ घरों के पैसे भी दे दिए लोगों को और उन्होंने बनाने भी शुरू कर दिए और विद इन टेन डेज दे विल बी बैक इन देयर होम्स मुझे उनकी आंखों में जो खौफ नजर आया ना जब उन लोगों से डॉक्टर मतलब के 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 है आप 50,000 घरों का भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई नक्शा डालें ना की अडोप्ट होम करके कि इसको एक एक घर को अडॉप्ट कर लें तो पूरी दुनिया से पाकिस्तानी एक एक घर उठा लेंगे सर हम तो एक लाख हमारा टारगेट कम अज कम एक लाख घर है और आप हैरान खुश होंगे की बीस घरों के कमिटमेंट नहीं होगी बल्कि उसके 50 परसेंट पैसे भी आ गए तो हम तो अपने काम में लग चुके हैं और हम इन शाली ये एक लाख घर जो है सर्दियों के आने से पहले तामीर करेंगे मैं सिर्फ आपको ये बता रहा था कि लोगों के जहनों में ये खौफ नहीं है कि अगला एक महीना रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी उनके जहनों में खौफ यह है कि उनके बच्चे इस सख्त सर्दी में कोहे सलेमान के दामन में आप जाके देखें कि कितनी सर्द हवा चलती है वो कहते हैं छत नहीं है तो मैं अपनी मासूम बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगा तो हुकूमत अलहमद जो भी करना चाहती है करे वो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये जो घर हैं ये ठेकेदार नहीं बना सकते ये तो बाहर से टेक्नोलॉजी में घर एक माशरत एक तहजीब एक कल्चर की नुमाइंदगी करता है आप कैसे कह सकते हैं कि एक बलोच जो है वो बलोचिस्तान में रहता है और उसको आप एक टेन बाई टेन का एक फाइबर का एक ग्लास का इस किस्म का कोई घर बना देंगे उसने अपनी कच्ची मट्टी से मौसम के मुताबिक ही घर बनाना है। तो हमने डेराबुख्ती में पैसे दे दिए हैं हमने शाह बंदर में पैसे दे दिए हैं हमने सजावल में पैसे दे दिए हैं लोगों को हमने तोसा शरीफ में जाके अल्हम्दुलिल्लाह ये एक, एक लाख रुपए दे दिया और लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए डॉक्टर अमज साकिब साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं पूरे पाकिस्तानियों से दुनिया सारी में है पाकिस्तान के अंदर भी और बाहर भी अपील भी करूँगा गवर्नमेंट को भी फ़ंड करें और ये अख़वत जैसी ऑर्गनाइजेशन है सैलानी वाले हैं वो फूड के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं अ ख़िदमत वे हैं जमात इस्लामी की बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इर रिस्पेक्टिव कि तंजीम जमात इस्लामी से मुंसलिक है या नहीं है तो अख़ुवत को फ़ंड करें घरों की तमीर के ऊपर घर अडॉप्ट करें एक ब्रेक ले लें ब्रेक से वापसी पैसन साहब से भी पूछेंगे क्योंकि इनके ज़िम्मे ज़्यादा बड़ा काम है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की बहाली का हमारे साथ रहिए प्रोग्राम में दोबारा खुश आमजीद कहते हैं ऐसन साहब जो दोस्त ममालिक हैं उनसे ये जो औरतें साढ़े छः लाख प्रेगनेंट औरतें हैं बच्चे हैं वहाँ पे मलेरिया और वबाएँ फैल रही हैं इनसे आप हॉस्पिटल या कोई हेल्थ सेक्टर में मदद नहीं ले सकते जी नहीं ले रहे हैं इस वक्त जितनी भी बैनवामी तनजीमें हैं खासतौर पर यू एन की वो बहुत बच्चों के लिए और ख़वान के लिए इस वक्त हमारे साथ इंगेज हैं अभी हमने इसी तरह मलेरिया के लिए जो एंटी मलेरियल मेडिसन हैं और मलेरिया टेस्टिंग किट्स हैं उसके लिए प्रक्योर कर रहे हैं इनके साथ मिलकर और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और यूएन डिफरेंट एजेंसीज इस वक्त ग्राउंड में यूनिसेफ बच्चों के लिए कर रही है दूसरे इदारे जो हैं वो खुतिन के लिए कर रहे हैं अगर मैं आज जाफराबाद बलोचिस्तान की शिकायत और नियर में आपको कन्वे कर सकता हूँ कि वहाँ एक खातून सोशल वर्क पर काम कर रही है तो उन्होंने लिखा हुआ मलेरिया बहुत कर रहा है तो वी नीड टू तो एड्रेस इसके लिए, लिए।, लिए हमने जो फौज की मदद से एक स्प्रे जो तैयार हुआ है जो कि ड्रैप ने और सब इधारों ने अप्रूव किया है उसके लिए अब एक एरियल स्प्रे कर रहे हैं ताकि जो लावा है ये मच्छरों का उसको पहले ही ख़त्म कर दिया जाए और मलेरिया की जो आकरस है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके तो जितने भी इंसानी तौर पर मुमकिन इकदाम हैं हम कर रहे हैं लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्केल इतना बड़ा है ये तबाही इतने बड़े पैमाने पर है कि इसमें आप जितनी भी कोशिश करें यू स्प्रेड योर सेल्फ वेरी थिंगली लिहाजा पूरी कौम को इसमें आने की ज़रूरत है और आ रही है और बहुत माशा ऐसे ऐसी स्टोरीज हैं कि मैं एक कैंप में गया तो वहाँ पर एक खातून को मैंने देखा वो इस्लामाबाद में रहती हैं एयरफोर्स की रिटायर्ड खातून थी लेकिन वो उधर सिंध से उनका ताल्लुक था वो अपने इलाके में दादू ज़िले में उस कैंप में दिन रात उनके साथ ही वो रह रही हैं अमेजिंग लेडी के इतना वो अच्छा काम कर रही थी वहाँ पर इसी तरह बेशुमार जो और एन जी ओज़ हैं उनके वॉल्टियर्स उन्होंने अपने आप को वक्फ़ किया हुआ है इस काम के लिए और मैं समझता हूँ कि अगर हम एक इसी तरह न, तमाम इतारे हुकूमत के मुसल्फवाज ह्यूमन जो ह्यूमानिटेरियन ऑर्गनइजेशन हैं एन जी ओज़ हैं हम मिल के काम करें तो इन शाला बहुत जल्द इसके ऊपर काबू पा लेंगे बाकी ये मैं आपको बताऊँ कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लान के ऊपर भी काम कर रहे हैं और जो मैं आपसे शुरू में बात कर रहा था 2010 का जब फ्लड आया ना तो इसके बाद 2013 में हम जब हुकूमत में आए तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स से हमने कहा कि एक नेशनल फ्लड प्रोटेक्शन प्रोग्राम बनाए तो हमने दुनिया की बेहतरीन वाटर की फॉर्मिंग एज की नैसपाक ने उसके साथ मिल 2017 में एक नेशनल फ्लड कंट्रोल प्लान बनाया दस साल का जिस पे सूबों ने और मरकज़ ने एग्री किया कि हम 50 50 परसेंट देंगे सीसीआई ने उसको अप्रूव किया बदकस्मती से जूँ ही हमारी हुकूमत ख़त्म हुई उस प्लान के एक लफ्ज़ के ऊपर एक रुपया इन्वेस्ट नहीं किया गया वो सत्रह अरब रुपया सालाना वफाक ने लगाना था सत्रह अरब सूबों ने लगाना था और कम अज़ कम पहले पाँच साल का अगर मुकम्मल हो जाता तो मैं ये नहीं कहता कि यह सैलाब से हम बच जाते लेकिन इसके नुकसान को हम और मिनिमाइज कर सकते जो होता। है वो मेल्टिंग हुई है। जिसको यू एनडीपी अब वो ग्लेशियर की कुछ मेजरमेंट वगैरह कर रहे हैं अंदाजा करने के लिए कि कितनी मेल्टिंग हो रही है एनुअली और कितना पान पानी इजाफी आ रहा है सेवन परसेंट कंसनट्रेशन ऑफ रेन इजाफी हुई है इन इलाकों में जो फ्लड लेटे तो ये क्लाइमेट चेंज का है पहले जो पाकिस्तान में फ्लड जाते थे वो रिवर बेस्ड फ्लड होते थे ये एक रेन इंड्यूस फ्लडिंग है जो एक आई है नई तो इसके हवाले से अब हम उस प्लान को जो इस पर इम्पलीमेंट नहीं किया गया उसको दोबारा अपडेट कर रहे हैं उसी कंसल्टेंट के जरिए और इनशाला उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए काम करेंगे एक और चीज जो हमें देखने में आई है कि कई जगह नुकसान इसलिए भी हुआ है कि गवर्नेंस के लैपसेस थे कि जो नदी नाले के वेज हैं राइट ऑफ वे एक किस्म का आप कह लीजिए रिवर का या नाले का है कि जिसमें आपने दरियाओं के अंदर नालों के अंदर बस्तियां हैं काम नहीं किया